आज की इस वीडियो में हम फाइव बिजनेस एंटिटीज में से सेकंड एंटिटी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एंटिटी मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा या फिर मैं पूरे प्लेलिस्ट का ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके उसे चेकआउट कर सकते। ये जो बिजनेस लॉ की मैं पूरी सीरीज आपको वीडियो फॉर्म में बनाकर प्रोवाइड कर रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट, बहुत सारे लोग इसके पेड कोर्सेज बना के सोशल साइट पे सेल आउट कर रहे हैं। मेरा पर्पज सिर्फ इतना है कि हमारी कंट्री के जो लेमैन है, जो बिजनेसमैन है, उनको एटलीस्ट इतने कॉमन लॉस पता होने चाहिए कि वो अपने बिजनेस को स्मूथली रन कर सके। सो, आप इन वीडियोस से के माध्यम से जितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन और नॉलेज ले सकते हो उन नॉलेज को लीजिए और अपने बिजनेस को अप्लाई कीजिए और अपने बिजनेस को स्मूथली रन करने की कोशिश कीजिए। सो हे दोस्तों, मैं हूं नावेद मोमिन, अ लॉयर, राइटर, यूट्यूबर, फैसिनेटिंग स्पीकर, लीगल एंड बिजनेस कंसल्टेंट, हैविंग मोर देन 12 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द लॉ फील्ड। सो उम्मीद करता हूं आप सब फिट होंगे क्योंकि हेल्थ ही सबसे बड़ी वेल्थ है। सो चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी टैप कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। वैसे तो इस टॉपिक को मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया, लेकिन उसके बाद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे अपने सवाल जरूर पूछिए। हमारी सेकेंड बिजनेस एंटिटी है LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। अगर आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि वो एक रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी हो ताकि मार्केट में आपकी एक गुडविल क्रिएट हो सके, तो आप लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के साथ जा सकते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये दोनों में बहुत सिमिलैरिटीज होती हैं। अगर हम लेमैन वर्ड्स में लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को समझने की कोशिश करें तो जिस तरह से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, उसी तरह से लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। किसी एक पार्टनर के जरिए किए हुए कंडक्ट के लिए हम किसी दूसरे पार्टनर को रेस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के अफेयर्स भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के जरिए मैनेज एंड रेगुलेट किए जाते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को गवर्न करने के लिए जो एक्ट इनएक्ट किया गया है उसे हम कहते हैं LLP एक्ट ऑफ 2008। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से बहुत सिमिलर होती है, लेकिन इसके सारे जो एसेंशियल्स है वो पार्टनरशिप फॉर्म के होते हैं। उसके बावजूद लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म से बहुत ज्यादा बेहतर है, क्योंकि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ रजिस्टर होती है, जबकि पार्टनरशिप फर्म अनरजिस्टर्ड है। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के रजिस्ट्रेशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? नंबर वन, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। सो मिनिमम दो पार्टनर्स होने चाहिए, एक अकेला पार्टनरशिप नहीं कर सकता है। एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की कोई लिमिट नहीं दी गई है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने भी पार्टनर्स हो सकते। नंबर टू है मिनिमम नंबर ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। सो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में जितने भी डायरेक्टर्स होंगे उनमें से दो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए। जिस तरह से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डायरेक्टर्स होते हैं, उसी तरह से लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं। इन्हीं के नाम से सारे डॉक्यूमेंटेशन होंगे। इस दो रिक्वायरमेंट के अलावा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारे रिक्वायरमेंट्स लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में भी सेम होंगे। उसके लिए आप मेरी पहली वीडियो जरूर देखें, उसके अंदर सारे रिक्वायरमेंट आपको पता चल जाएगी, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एडवांटेजेस की अगर बात करें तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जितने भी एडवांटेजेस है वो सारे एडवांटेजेस आपको लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में भी मिल जाएंगे। एडिशनल आपको पार्टनरशिप फर्म के एडवांटेजेस भी मिल जाएंगे। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है सेम प्रोसेस जो है वो LLP का भी होता है। सिर्फ एक डिफरेंस है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनता है, लेकिन MOA और AOA के जितने भी डिटेल्स है वो सारी डिटेल्स जो है वो एग्रीमेंट के अंदर पूरा कवर किया जाता है। अगर हम थोड़ा सा पार्टनरशिप फर्म की भी अगर बात करें तो पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनरशिप डीड बनती है और LLP के अंदर जो है वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनता है। इसके अंदर लेकिन एक डिसएडवांटेज है कि अगर आप फ्यूचर में कोई फंड रेज करना चाहते हैं तो इसके अंदर शेयर्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसके अंदर पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट है। कोई इन्वेस्टर्स को अगर आप लेके आ रहे हैं तो आपको उसको पार्टनरशिप ऑफर करना पड़ेगा, आपको उसको अपना पार्टनर बनाना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आज के टॉपिक से रिलेटेड आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो इस वीडियो को 2-3 बार गौर से देखिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वीडियो अगर पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ जिन्हें आपके हिसाब से इस वीडियो की, इस इन्फॉर्मेशन की जरूरत है, और कमेंट करके मुझे अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिए ताकि मुझे पता चले कि मैं जो इतना एफर्ट डाल रहा हूं वो फ्रूटफुल है या फिर फ्यूटाइल है। That's it for today. Thank you for watching.